करवा चौथ का दिन हर सुहागन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। फिल्म कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन ने सर्गी के बारे में बताया था, जिसमें सास अपनी बहू को बड़े प्यार से सर्गी देती है। इसे करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले खाना होता है, लेकिन दिन भर कुछ न खाने के कारण बदन में थकावट और कमजोरी महसूस होने लगती है। तो आज हम आपको सर्गी से संबंधित कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। सर्गी में बहुत सारे फलों को शामिल करें, केला, पपीता, अनार, जामुन, सेब आदि जैसे फलों को जरूर खाएं। इससे शरीर को पोषक तत्व मिलेगा। सुबह के समय तेल से बनी चीजें ना खाएं, क्योंकि ये भारी होते हैं और इससे आपको चक्कर आ सकते हैं। चाय या कॉफी से बचें, क्योंकि चाय और कॉफी आपके शरीर से पानी की मात्रा कम कर देगी और इससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसके बजाय एक गिलास ताज़ा जूस, दूध, छाछ या एक कप ग्रीन टी पी सकते हैं। बहुत ज्यादा मीठे का सेवन ना करें, मिठाई आदि से बचें और इसकी जगह खजूर, अंजीर या एप्रिकॉट यानी खुबानी खाएं। हो सके तो ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, बादाम और पिस्ता खाएं, इससे ताजगी बनी रहेगी। पूरे दिन भूखा रहने के बाद चांद निकलने पर पत्नियां अपने पति के हाथों से व्रत तोड़ती हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप उपवास तोड़ते समय क्या खाते हैं। सबसे पहले एक गिलास पानी से शुरुआत करें और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएं, एक दो बादाम, एक दो अखरोट और कुछ सूरजमुखी के बीज का सेवन करें। कुछ ना खाने के कारण पेट में एसिडिटी लेवल पहले से ही हाई रहता है, इसलिए चाय या कॉफी का सेवन हानिकारक हो सकता है। हो सके तो चाय और कॉफी को अवॉइड करें। इस मामले में दही का सेवन बहुत अच्छा विचार होगा। दही पेट की गर्मी को कम करेगा और शरीर को ठंडक पहुंचाएगा। मसालेदार और तले हुए भोजन ना खाएं। हल्के और आसानी से पचने वाले पदार्थ जैसे इडली, डोसा, उत्तप्पा सांबर, सब्जियां, दलिया और ओट्स खाएं। चपाती या पनीर भुर्जी दाल के साथ उबले हुए चावल या पुलाव आदि के साथ सेवन करें। जिन लोगों को मीठा खाना पसंद है उनके लिए खजूर, डार्क चॉकलेट या घर की बनी कुल्फी आदि खा सकते हैं। ये आसानी से पचेगा भी और आप मीठे का लुत्फ भी उठा सकते हैं।